वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सर। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल में वाइटल साइंस की और उसके साथ साथ कुछ और अदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसको लेके। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको थ्योरी बेस्ड क्लासेस की ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल में, और जिनका भी पेपर है अपकमिंग टाइम में नॉर्सेट के लिए उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने MP का पेपर दिया है उनके डाउट हैं कि मैं आंसर की क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आपको ऑफिशियल आंसर की अपलोड करूँगी जो कि आपको 5 अप्रैल को अवेलेबल हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पर वाइटल साइंस हम चेक क्या क्या करते हैं, वो 5वां वाइटल साइन कौन सा भी इंक्लूड हो गया है, तो हम जनरली पल्स, BP, रेस्पिरेटरी रेट एंड पेन को यहाँ पर क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वाइटल साइन की, तो वाइटल साइन में कितनी नॉर्मल रेंज होती है, क्या है, ये सभी चीज़ें आज के हम इस छोटी सी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज। ये रही आर्टरी आपकी एक पाइप जैसे, इसमें जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो ब्लड फ्लो यहाँ पर आपका हो रहा है, यदि नॉर्मल यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है और जो ब्लड है आपकी आर्टरीज़ को क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका ब्लड प्रेशर। क्या है, ब्लड प्रेशर। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों के में रक्त प्रवाह करने को नियमित करता है, और जो इस पे प्रेशर लगेगा इन आर्टरीज़ पे, इन धमनियों पे जो ब्लड का प्रेशर लगेगा वही प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। यदि हम नॉर्मल रेंज में बात करें तो दो बीपी में काउंटिंग की जाती है, एक होती है सिस्टोलिक, दूसरी होती है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है अपर नंबरिंग। क्या है, अपर नंबरिंग। जब आपका हार्ट बीट करेगा तो उस टाइम पर जो आपकी आर्टरी में प्रेशर पड़ेगा वो होगा 120 mm of Hg। और जब आपका जो आर्टरीज हैं, क्या है, जब जो आपका हार्ट यदि क्या किया, बीट किया, तो जो फ्लो अचानक से होगा आर्टरीज में क्या होगा, वो होगा सिस्टोलिक BP और हाईएस्ट नंबरिंग जो कि होगी 120 mm of Hg। रेस्टिंग टाइम होगा बीट और जो हार्ट का जो आपका जो यहाँ पर रेस्टिंग टाइम है बीच का, वो कहलाता है डायस्टोलिक BP जो कि लोअर नंबरिंग के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर क्या है, द प्रेशर इन और आर्टरीज वेन और हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट। एक बीट में जो ड्यूरेशन लगता है वो होता है कितना, 0.8 सेकेंड का। जो आपका एक कार्डियक साइकिल होती है वो कितनी होती है, होती है 0.8 सेकेंड की। यहाँ पे भी आप याद रखें, तो BP क्या है आपका, जो आपकी आर्टरीज हैं उनमें ब्लड के थ्रू लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। इसमें दो नंबरिंग होती है, एक होती है हाइएस्ट जो कि कहलाती है क्या, सिस्टोलिक BP। सिस्टोलिक BP का मतलब है कि जो आपका हार्ट क्या किया, बीट किया, जो प्रेशर पड़ा आर्टरीज पर, वो जब रेस्टिंग टाइम में जो रहा वो कहलाएगा सिस्टोलिक, जो कि होता है 80 mm of Hg। तो अगर नॉर्मल 120/80 mm of Hg, 120/80 mm of Hg, लेकिन जब इससे ज़्यादा जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन एज भी ये क्या होगा, कम होगा। यदि न्यूबॉर्न बेबी में हम बात करें और कंपेयर टू एक एडल्ट में बात करें, न्यूबॉर्न बेबी का जो ब्लड प्रेशर है कम होगा, क्यों, क्योंकि उनमें आर्टरीज भी छोटी हैं। लेकिन जब यदि ब्लॉकेज हो जाए नहीं आर्टरीज में, तब भी ये BP आपका डिस्टर्ब हो सकता है, हो सकता क्या, होता ही है। तो यहाँ पर ये BP क्या रहेगा, आपका डिस्टर्ब रहेगा। अभी देखिए दो तरीके का BP होता है, तो जो क्या है यहाँ पर, सिस्टोलिक मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जब आपके वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जो प्रेशर पड़ेगा वो है हाइएस्ट नंबरिंग है, और हार्ट बीट होगा वो है यहाँ पर, बीट कब होगा, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। डायस्टोलिक का मतलब होता है मिनिमम प्रेशर। क्या है, मिनिमम प्रेशर जस्ट प्रायर टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के आने के पहले जो प्रेशर पड़ेगा, मतलब जो कि कम होगा, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि होगा 80 mm of Hg। ये देखिए हम नॉर्मल रेंज में बात करें तो एक न्यूबॉर्न बेबी का BP कंपेयर टू एडल्ट के हमेशा कम होता है। न्यूबॉर्न में जो कंसिडर किया जाता है वो होता है 90/55 mm of Hg, मतलब 90 यहाँ पर सिस्टोलिक है और 55 क्या है, डायस्टोलिक। एक एडल्ट पर्सन में होता है 120/80 mm of Hg। यदि आप एक ओल्ड एज पर्सन में देखेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर हमेशा थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होगा। ओल्ड एज क्या, नावाडेज यदि आप, जैसा मैंने आपको लास्ट एक टॉपिक में बताया था कि आप घर घर जाएंगे तो आपको 10 घर में जाएंगे तो 2-3 थायरॉयड वाले मिल जाएंगे, डायबिटीज़ वाले मिल जाएंगे,
तो यहाँ पर बीपी वाले तो हर एक घर में है जो मिल जाएंगे। मेरे ही घर में, मेरे फैमिली में ही 10 लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इवन जो कुछ कम एज में उनको भी ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो यदि एज बढ़ती जाती है तो 50 साल के बाद को तो कॉमन है कि 120/80 तो आपको रीडिंग में देखने को मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कॉमनली देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बीपी की, तो कितना 120/80 MOHG नॉर्मल है, लेकिन यदि इससे कम रेंज होती है तो ये कहलाएगा क्या, आपका हाइपोटेंशन, मतलब कि लो ब्लड प्रेशर। क्या है? लो ब्लड प्रेशर। किसी किसी को आपने देखा होगा टेंशन में आके भूखे हैं लंबे टाइम से, उनका बीपी लो हो जाता है, ब्लड शुगर लो होने के साथ साथ बीपी भी लो हो जाता है। उनको हाई शुगर की प्रॉब्लम है, उनका बीपी भी हाई हो सकता है, ऐसे चांसेस रहते हैं। तो यदि हम एक जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि 120 से 129 तक यदि सिस्टोलिक बीपी जाता है, अपर नंबरिंग है, जो मतलब क्या है, एलिवेट है, और जो डायस्टोलिक है कितना है, लेस देन 80 है। फिर दूसरी नंबरिंग होती है हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज में, तो स्टेज फर्स्ट होती है जब भी सिस्टोलिक बीपी कितना हो 130 से 139 MOHG, और डायस्टोलिक बढ़ेगा यहाँ पर 80 से 89 MOHG। अब जो यहाँ पर एलिवेटेड है 120 से 129 इतने में मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उनको परमानेंट डेली कह दो कि आप एक हाइपरटेंशन के लिए एंटी हाइपरटेंशन ड्रग लीजिए, इतने में ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनेज हो जाता है। लेकिन जब हाइपरटेंशन की स्टेज फर्स्ट में पेशेंट जाता है, आपका क्लाइंट जाता है, तो यहाँ पर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर की और हाइपरटेंशन की जो स्टेज सेकेंड है, इसमें ब्लड प्रेशर होगा कितना 140 और इससे ज़्यादा क्या सिस्टोलिक बीपी, और जो अपर नंबरिंग है वो डायस्टोलिक 90 और इससे ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन जब यदि क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पर आपके पेशेंट को मतलब इमरजेंसी में ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बीपी होगा हायर देन मोर देन 180 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक हायर देन 120, मतलब जितना सिस्टोलिक रहता है नॉर्मली उतना डायस्टोलिक क्रॉस कर जाएगा, और जो सिस्टोलिक है वो सीधा 180 के ऊपर जाएगा, मतलब मरीज को तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर एक क्या थी, स्टेज थी हाइपरटेंशन की, कि नॉर्मली इतना है, इतने से ज़्यादा रेंज में गया, 130 से 39 में गया, या फिर आप ये भी कह सकते 130/89 या फिर 139/89। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है, इससे और ज़्यादा गया तो स्टेज सेकेंड, आफ्टर दैट इसके क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस जिसको आप कहेंगे, मतलब मरीज को तुरंत सडनली मरीज ऐसे केस में अनकॉन्सियस भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि बेस्ड ऑन एज की बात करें हम, तो न्यूबॉर्न बेबी में कम होता है ब्लड प्रेशर कंपेयर टू एडल्ट के, क्योंकि उतना ब्लड फ्लो उनकी अकॉर्डिंग टू उनकी बॉडी के उतना काफ़ी है उनको। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट रेट और पल्स रेट की। हार्ट रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। एक बार में आपका हार्ट है क्या है, एक बार में आपके हार्ट ने कितने बार पंप किया, वो यहाँ पर कहलाती है आपकी हार्ट बीट। न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा होती है, आप इसको क्या करेंगे, ज़्यादा ही कंसीडर किया जाता है, 140 से 160 तक तो नॉर्मली मानी जाती है। इवन बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब 140 से 160 नॉर्मल कंसीडर की जाती है। यदि नॉर्मल एक एडल्ट पर्सन की हम बात करें, हेल्दी पर्सन की, तो होती है 72 बीट पर मिनट और 72 बीट पर मिनट। हायर में बात करें तो 90 to 120 बीट पर मिनट। और हायर होने का रीज़न या तो कुछ प्रॉब्लम, बीमारी हो सकती है, आपने रनिंग की है, एक्सरसाइज की है, या साइकिलिंग की है, स्विमिंग की है, उसमें भी है। हार्ट रेट और पल्स रेट मतलब आपका एक मिनट में हार्ट कितने बार बीट किया है, वो कहलाएगा आपका हार्ट रेट और पल्स रेट, जो कि नॉर्मल होती है 72 बीट पर मिनट इन एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट में। और यदि हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी में या फिर कम एज में, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, ये पल्स रेट है क्या होती है, यहाँ पर हार्ट रेट है क्या होगी, कम होगी। मतलब यदि आप 1 साल के बच्चे को देखेंगे तो उसकी 120 तक आपको काउंट करेंगे, 5 को देखेंगे तो आप 100 तक काउंट करेंगे, एक एडल्ट में आप अपने लिए काउंट करेंगे 72 या 75 है, जो एक नॉर्मल रेंज में आएगी। लेकिन जब आप साइकिलिंग करके आए हों, या दौड़ के आए हों, या रनिंग करके आए हों, या आपने कुछ भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की हो, तब आपकी बढ़ी हुई रहेगी। लेकिन आफ्टर दैट आप कुछ देर रेस्ट कीजिए, देन आफ्टर फिर से आप 30 मिनट बाद चेक कीजिए, तो आपकी नॉर्मल आपको काउंट होगी। अब हम कहाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो टेम्पोरल आर्टरी मतलब आपके कानों के यहाँ पर,
कैरोटिड, दैट मीन्स नेक के यहाँ पर जनरली जब भी कोई मरीज आपको बेहोश दिखता है या फिर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में हो, कॉन्शियस ना हो, तब आप नेक के यहाँ पर सडन चेक करेंगे। मूवीज़ में आपने खूब देखा होगा। एपिकल बच्चों में कॉमनली चेक की जाती है, एपिकल पल्स मतलब हार्ट पे यहीं पर जो एपेक्स बीट है वो चेक की जाती है। ब्रैकियल मतलब आपके जो एल्बो है इधर, फीमोरल मतलब आपकी थाई के यहाँ पर, पॉपलिटियल बिहाइंड द नी, बैक ऑफ द नी, पॉप्स पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी मतलब आपके फीट के यहाँ पर, और पैडल मतलब आपके सोल के यहाँ पे पल्स चेक की जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे चेक की जाएगी। यदि कैडल्ट में बात करें तो हमेशा याद रखें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कैरोटिड आर्टरी चेक की जाती है पल्स के लिए। बच्चे में बात करें हम तो एपेक्स चेस्ट के यहाँ पर चेक किया जाएगा। यदि आपके पास कोई मरीज आता है तो आप कैरोटिड आर्टरी चेक नहीं करेंगे, आप उसका रेडियल आर्टरी चेक करते हैं हमेशा। अब यदि इसी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की हम बात करें तो या तो पल्स रेट बढ़ सकती है, रिदम डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि बढ़ने की बात करें हम तो जब यदि यही पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो जाए तो ये कहलाता है टैकीकार्डिया, और जब ये 60 से कम हो जाए तो ये कहलाता है ब्रैडीकार्डिया। यदि कुछ मेडिकेशन के कारण भी ये घट बढ़ सकती है या कुछ प्रॉब्लम के कारण भी आपकी ये पल्स क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर, क्या है हमारे शरीर का टेम्परेचर। बीपी देख लिया हमने, हार्ट रेट देख लिया, अब है टेम्परेचर। हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस हिस्सा है वो। अब टेम्परेचर नॉर्मल होता है शरीर का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे कम जाता है तो ये क्या कहलाएगा आपका, हाइपोथर्मिया। क्या है, हाइपोथर्मिया। से ज़्यादा जाता है तो क्या कहलाएगा, हाइपरथर्मिया मतलब कि फीवर। थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर, हाइपर का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर का होना। यदि गर्मियों के दिन में हम बात करें, आप बाहर धूप से आइए और आप अपने आप को चेक करेंगे तो आपका 99 से ज़्यादा ही निकलेगा, लेकिन आप थोड़ी देर बैठेंगे, कूल डाउन होंगे, फिर चेक करेंगे तो आपका नॉर्मल आ सकता है। और आपको टेम्परेचर जब भी आपके पेशेंट ने, आपके क्लाइंट ने कुछ भी खाया पिया हो ठंडा गर्म, तो आपको उसके 20 से 25 मिनट तक टेम्परेचर चेक नहीं करना है, क्योंकि ये एबनॉर्मल रीडिंग जगह। यदि कुछ ठंडा खाया होगा, हाई टेम्परेचर होगा भी, लेकिन उसने उस टाइम ठंडा खाया तो उसका टेम्परेचर लो रीडिंग में आएगा। गर्म खाया है कुछ भी, गर्म चाय पी या कॉफ़ी पी, आप उस दौरान चेक करेंगे तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट वो करेगा। अब यहाँ पर एक हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा टेम्परेचर चेक करने का एरिया कहाँ होता है। यदि हम बच्चों में बात करें तो ओरली चेक नहीं करते हैं, क्यों, वो या तो थर्मामीटर चबा लेंगे या फिर वाइट कर जाएंगे, तो ओरली बच्चों में तो चेक नहीं किया जाता है। रेक्टम में जो प्रेफर्ड डॉक्टर होंगे वही चेक करते हैं, क्योंकि कोर टेम्परेचर हमारी बॉडी का कंपेयर टू ओरल या फिर एक्जिला ईयर के अलावा जो सबसे सही टेम्परेचर रीडिंग आती है वो होती है रेक्टम से, लेकिन वो एक प्रेफर्ड डॉक्टर ही करेगा। एक्जिलरी कॉमनली यूज़ किया जाता है, आप खुद घर पर अपने किसी की तबीयत ख़राब हो तो आप एक्जिलरी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ईयर के यहाँ पर जो टेम्पोरल चेक किया जाएगा वो करते हैं ओनली डॉक्टर जिनके पास एक डिजिटल इन्वेसिव जो थर्मामीटर होता है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में जनरली ये यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर तो पायरेक्सिया, पायरेक्सिया यदि वर्ड आपने सुना होगा तो पायरेक्सिया का मतलब भी होता है क्या, फीवर। वो कंसीडर कब किया जाता है, जब 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो हमारे शरीर का, तब। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी रेट, क्या है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब है नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक्स पर मिनट, एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं, वो कहलाएगा आपका क्या, रेस्पिरेटरी रेट। क्या है रेस्पिरेटरी रेट, एक एडल्ट पर्सन में रेस्पिरेटरी रेट होती है 12 से 16 पर मिनट तक। ये बढ़ सकती है वही आपके बेस्ड ऑन एक्सरसाइज एक्टिविटी बीमारी इन सब के कारण भी तो बढ़ सकती है, फीवर में भी बढ़ सकती है, कोई और अदर मेडिकल हिस्ट्री रही हो आपकी तो भी आपकी बढ़ सकती है रेस्पिरेटरी रेट। एज़ कम्पेयर टू एक एडल्ट के और एक न्यूबॉर्न या बच्चे में बात करेंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रहेगी, बच्चे की ज़्यादा रहेगी कम्पेयर टू आपके, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये आपकी एक स्टेबिलिटी में आ जाएगी। अब यदि यही बढ़ी हुई हो, क्या हो, यदि यही आपकी बढ़ी हुई हो रेस्पिरेटरी रेट, तब आप इसको क्या कहेंगे, टैकेपनिया। क्या कहेंगे, टैकेपनिया। 20 से ज़्यादा होगी तो टैकेपनिया, और घटी हुई होगी तो आप क्या कहेंगे, ब्रैडीपनिया। और इसकी फिर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं रेस्पिरेटरी रेट को लेके, कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या यहाँ पर कहेंगे, डिस्निया।
ब्रीदिंग सांस लेते ही नहीं बन रही, सजेस्ट हो गई तो एपनिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमनली इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिए, चार वाइटल स्टैटिक वाइटल साइन, बीपी चेक किया जाता है, आप हॉस्पिटल जाएंगे बीपी चेक होगा, पल्स चेक होगी, टेम्परेचर चेक होगा, रेस्पिरेटरी रेट चेक होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी मास इंडेक्स, आपके शरीर का वजन आपकी लंबाई के हिसाब से सही या नहीं, आप मोटे तो नहीं हैं, ओबेस तो नहीं है, वो यहाँ पे बीएमआई इंडेक्स से पता चलेगा। बेस्ड ऑन योर हाइट आपका वेट सही है या नहीं। बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई इज अ पर्सन्स वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। हाई बीएमआई कैन इंडिकेट हाई बॉडी फैटनेस, मतलब यदि आपका बीएमआई ज़्यादा आता है मतलब आप क्या हैं, ओबेस हैं, मोटे हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है और उस वजन को घटाना है, नहीं तो मोटे होने के साथ साथ आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं। नॉर्मल बीएमआई की हम बात करें तो यहाँ पर बीएमआई निकालेंगे कैसे, आप खुद से निकाल सकते हैं कि वेट आपका किलोग्राम में होना चाहिए, हाइट को मीटर स्क्वायर में, आप जनरली हॉस्पिटल जाते सेंटीमीटर में आपकी हाइट चेक की जाती है, आप उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, उस पर स्क्वायर कीजिए, मतलब दो बार गुणा कीजिए, निकल के आ जाएगी। अब यदि बीएमआई लेस देन 18.5 हो तब क्या होगा, यहाँ पर मतलब आप अंडर वेट हैं, कुपोषित हैं, आपको खाने पीने की ज़रूरत है। यदि 18.5 से 24.9 तक आता है मतलब क्या है, आपकी नॉर्मल रेंज में है। ओवर वेट है मतलब 25 से 29.9 के बीच में आते हैं मतलब ओवर वेट है। ओबीस मतलब मोर देन 30 मतलब आप तो ओबीस की कैटेगरी में चलेगा। और यहाँ आपको एक्सरसाइज के अलावा अपने खाने पीने पे हर एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा। फिर इसकी क्लास फर्स्ट आती है, ओबीस की क्लास फर्स्ट, जिसमें बीएमआई होती है 30.0 to 34.9, सेकेंड क्लास में 35 से लेके आपका 39.9, मोर देन 40 चला जाए मतलब है क्या है, यहाँ पर आपकी कौन सी ओबीस की क्लास, क्लास नंबर थर्ड, और इसके बाद और कोई क्लास बचती ही नहीं है जिसमें मरीज को इस तरीके की, इवन जो सेकेंड ऑफ सेकेंड ही है यहीं से मरीज को प्रॉब्लम होने की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या तो कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, शुगर हो सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ओबेसिटी के साथ साथ उनको 17 प्रकार की बीमारियां घेरना स्टार्ट कर देती हैं, तो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए बीएमआई के लिए भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे जिसको थायराइड की समस्या है उनका बीएमआई बढ़ा हुआ होता है, यदि जिनको कुछ मेडिकेशन लेते हैं तो उनको भी ये डिस्टर्ब रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2 लेवल चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, कोविड में सबने लेके रख लिया था। नॉर्मल होता है 94, कितना 94 है, मतलब आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है वो सही है। लेकिन जब यदि आपके शरीर में खून की कमी हो तो SpO2 का लेवल भी गिर सकता है एनीमिया की कंडीशन में, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब भी SpO2 का लेवल गिर सकता है। ये इसका मतलब होता है कि जो आपके ब्लड में फ्लो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट जा रही है, वो तो नॉर्मल होता है 94% तक, यहाँ पर ये परसेंटेज में है, नॉर्मल होता है 94%। बेस्ट माना जाता है यदि 95 से 100 के बीच में हो, लो मतलब 90 से 93, वेरी लो 80 to 89, हॉस्पिटल में एडमिट करके आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। फिर आता है आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल का मतलब आपके जो सीरम है, आपका सीरम मतलब ब्लड में कितना शुगर का लेवल है। एक तो दो तरीके से चेक होता है, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यदि 70 से 100 mg/dL है मतलब कि ये क्या है, नॉर्मल है, क्या है, 70 से 100 mg/dL मतलब कि ये नॉर्मल है। लेकिन यदि आपने कुछ खा पी के गए चेक कराया ज़्यादा आता है तो ये रेंडम ब्लड शुगर कहलाएगा, फास्टिंग में आपका नहीं आएगा। 70 mg/dL से लेके 100 mg/dL तक आता है मतलब क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज़ बिटवीन 100 to 125, क्या है यहाँ पर 100 to 125 आता है, तो यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल चेंज करके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको शुगर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इतना कम बढ़ा हुआ। लेकिन जब 200 mg/dL से ज़्यादा निकल जाता, सॉरी 175 150 से ज़्यादा जाता है फास्टिंग में, तब इसमें आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आता है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, मतलब यहाँ पर जो ब्लड शुगर लेवल है कितना है, 140 mg/dL से भी ज़्यादा चला जाए, कितना है यहाँ पर 70 से 140 mg/dL से ज़्यादा चला जाए, मतलब आपने कुछ खा पी के ब्लड शुगर चेक किया आपको बढ़ा हुआ आ सकता है। प्री डायबिटिक में 100 से 125 mg/dL, सभी फास्टिंग की बात की जा रही है,
प्री डायबिटिक में यदि फास्टिंग में है आप कुछ खाया पिया नहीं हो चेक कराते हैं जाके 100 से 125 निकला है मतलब आपके हैं प्री डायबिटिक है। डायबिटिक में मोर देन 125 mg पर डीएल यदि ब्लड शुगर लेवल जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मतलब आपको क्या है शुगर डेवलप हो गई डायबिटीज़ डेवलप हो गई है जो यहाँ पे मॉनिटर सा दिख रहा है क्या है ग्लूकोमीटर जिससे आप घर पे भी अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डीएल तक वहीं फीमेल में 12.5 टू 15.5 ग्राम पर डीएल होता है। फीमेल में कम होने का रीज़न एक तो ये भी है कि पीरियड्स का आना हर महीने मेंस्ट्रुएशन का आना जिसके कारण ब्लड का लॉस होता है इसलिए फीमेल में कंपेयर टू मेल के कम हीमोग्लोबिन लेवल रहेगा। और यदि हम यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के जो कंपोनेंट्स हैं सेल्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हेमेटोक्रेट वैल्यू उनके बारे में बात करें हम तो आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में होती है 4.5 टू 6.0 फीमेल में होती है 4 टू 5। डब्ल्यूबीसी की बात करें जो कि आपका बॉडी में यदि कुछ इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होता है तो ये हाई काउंट में हो जाती हैं 4.5 टू 11,000 तो क्या है माइक्रो पर माइक्रोलीटर नॉर्मल मेल में यदि इससे ज़्यादा जाती हैं मतलब कुछ इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है फीमेल में 4.5 टू 11 है सेम है। प्लेटलेट की भी वैल्यू हम बात करें तो दोनों में सेम 150 से 450,000 पर माइक्रोलीटर। हेमेटोक्रेट वैल्यू फीमेल की कम होती है जैसा मैंने कहा कि उनमें हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के कारण ही। तो ये थी बेसिक सी टर्मिनोलॉजी आई होप आपको अच्छी लगी हो कि जो वाइटल साइंस है वो कितने होते हैं क्या होते हैं बीएमआई क्या है हीमोग्लोबिन लेवल क्या है ये बेसिक चीज़ें जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे आपकी चेक जरूर की जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।